हाय फ्रेंड व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू जेके फोटोग्राफी। तो गैस आज हम कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करने वाले हैं आर्ट टूडे स्केच बुक में। तो गैस आप लोग देख सकते हैं हमने फेस को कितने अच्छे से व्हाइट किया हुआ है। एंड यहां पर गैस आप लोग देख सकते हैं ठीक है हमने टी शर्ट का कलर भी चेंज किया हुआ है। एंड गैस यहाँ पर हमने ग्लासेस में एक रेड कलर डाला हुआ है। तो गैस सभी कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा, बट आप लोगों ने वीडियो एंड तक देख लेनी है ठीक है। वीडियो गैस थोड़ी लंबी हो सकती है, बट आप लोगों को जो है वो मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ठीक है, पूरी डिटेल के साथ मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो गैस अभी हमें सबसे पहले अपनी ओरिजिनल पिक को लाइट रूम में शेयर करना है ठीक है। एंड वहां पे गैस हम एक प्रीसेट का यूज करेंगे, बट प्रीसेट के लिए गैस आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। डिस्क्रिप्शन में मैं इस प्रीसेट का लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है। तो गैस हम लाइट रूम में अपनी पिक को शेयर करते हैं एंड उसके बाद हम लाइट रूम को ओपन करेंगे ठीक है। तो गैस यहाँ पर ऑल फोटोज का एक ऑप्शन है, तो सिंपली हम इसको क्लिक कर लेंगे। तो गैस आप लोग देख सकते हैं ठीक है हमारी पिक यहाँ पे पड़ी है एंड यहाँ पे गैस आप देख सकते हैं हमारे प्रीसेट है। तो गैस अभी हम सिंपली इस प्रीसेट को ओपन कर लेंगे ठीक है। तो ओपन करने के बाद गैस हम क्या करेंगे, ऊपर थ्री डॉट पे चले जाएंगे एंड देन गैस आप लोगों को नीचे एक ऑप्शन मिलता है कॉपी सेटिंग का ठीक है। तो गैस हम सिंपली कॉपी सेटिंग कर लेंगे एंड उसके बाद आप लोगों के पास ठीक है इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। आप लोगों ने सिंपली डन कर देना है एंड उसके बाद आप लोगों को बैक आ जाना है एंड अपनी ओरिजिनल पिक को ओपन कर लेना है। एंड उसके बाद गैस आपको थ्री डॉट में चले जाना है एंड जो सेटिंग हमने कॉपी की थी ठीक है। तो थोड़ा नीचे आएंगे आप लोगों को पेज सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, तो आप लोगों ने पेज सेटिंग पे क्लिक कर देना है ठीक है। तो उसके बाद गैस आप लोग देख सकते हैं ठीक है हमारी पिक कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो गैस अब लाइट रूम में हमारा काम जो है वो ख़त्म हो गया, सो अभी हम फेस को स्मूथ करेंगे एंड इस फेस को हम वाइट करेंगे। तो उसके लिए गैस हम पिक को शेयर करेंगे ऑटोडे स्केच बुक में ठीक है। तो सिंपली हम शेयर पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं गैस हमारे पास ऑटोडे स्केच बुक में, तो गैस हमारी पिक शेयर हो जाएगी ठीक है। ये तो कहते हम स्केच बुक में आ चुके हैं, सो अभी हमें क्या करना है, फेस को स्मूथ करना है एंड इसके लिए हमें आ जाना है इस पेंसिल वाली आइकन में ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद गैस आप लोगों को ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना है एंड देन गैस आप लोगों को चले जाना है इसकी सेटिंग में। एंड गैस सेटिंग आप लोगों ने सेम वही रख लेनी है जो मैंने रखी हुई है ठीक है। स्ट्रेंथ गैस आप लोगों ने 7 रख देना है एंड फ्लो 1 रख देना है ठीक है। साइज आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद गैस आप लोगों को थोड़ा सा जूम कर लेना है एंड साइज को एडजस्ट करके ठीक है इस तरह से गैस आप लोगों ने पेंट कर देना है। तो गैस आप लोग इस तरह से ब्रश को चलाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं गैस हमारा फेस जो है वो स्मूथ हो रहा है। तो गैस मैं यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी जल्दी स्मूथ कर लेता हूँ ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, बट गैस आप लोगों ने ठीक है पूरा टाइम दे के फेस को स्मूथ करना है। जितना ज़्यादा गैस आप टाइम देंगे उतनी ही अच्छे से आपका फेस स्मूथ होगा। एंड गैस आप लोगों ने पूरी वीडियो देख लेनी है ठीक है, कोई भी स्टेप आप लोगों ने मिस नहीं करना क्योंकि हमने अभी फेस को भी वाइट करना है एंड यहाँ पे गैस हमें टी शर्ट का कलर भी चेंज करना है एंड ग्लासेस भी हमने पेंट करना है। तो तब आपको समझ नहीं आएगा अगर आप लोग कोई स्टेप मिस करोगे। जी तो गैस आप लोग देख सकते हैं फेस को मैंने स्मूथ कर लिया, अभी हम लोगों को फेस को वाइट करना है ठीक है। तो उसके लिए हम जाएंगे फिर से इस पेंसिल वाले आइकन में एंड यहाँ पे जाके गैस हम आ जाएंगे लाइब्रेरी में ठीक है। एंड यहाँ पे गैस हमें इस बार एक और ब्रश सेलेक्ट कर लेना है फेस को वाइट करने के लिए। तो गैस मैं ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप लोगों ने भी इस वाले ब्रश को सेलेक्ट कर लेना है एंड देन गैस हम जाएंगे इसकी सेटिंग में। एंड सेटिंग गैस आप लोग देख सकते हैं ठीक है, यहाँ पे साइज आप अपने हिसाब से रखेंगे एंड ओपेसिटी आप लोगों ने फुल रख लेनी है। उसके बाद गैस हम आएंगे इस कलर वाले ऑप्शन में एंड यहाँ पे गैस हम फेस के लिए कलर चूज़ करेंगे ठीक है। तो मैं ये वाला कलर चूज़ कर लेता हूँ एंड यहाँ से गैस देन हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा वाइट करेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ से बैक आ जाएंगे ठीक है। एंड उसके बाद हम जाएंगे इस लेयर वाले ऑप्शन में एंड यहाँ से गैस हम प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे एंड यहाँ से गैस हम एक एम्प्टी लेयर लेंगे ठीक है। एंड देन हम इस लेयर को सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ इसका ब्लेंडिंग मोड हम चेंज कर देंगे ठीक है। यहाँ पर पहले नॉर्मल है, सो इसको हम चेंज करेंगे सॉफ्ट लाइट में। थोड़ा सा नीचे आप लोगों को सॉफ्ट लाइट मिल रहा है ठीक है, तो सिंपली गैस हम इसको सॉफ्ट लाइट कर लेते हैं। एंड उसके बाद गैस आप लोगों को बैक आ जाना है एंड इस तरह से जूम कर लेना है ठीक है। एंड उसके बाद गैस आप लोगों को इस तरह से पेंट कर देना है ठीक है। तो गैस आप लोग देख सकते हैं ठीक है हमारा फेस जो है वो कितना ऑसम हो रहा है ठीक है, थोड़ी सी लाइट भी आ रही है एंड ब्राइट भी हो रहा है ठीक है, काफ़ी वाइट काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो गैस मैं जल्दी जल्दी पूरे फेस को इस तरह से पेंट कर लेता हूँ। जी तो गैस मैंने पूरे फेस को पेंट कर लिया, सो भी आप लोगों को आ जाना है इस लेयर वाले ऑप्शन में। देन आप लोगों को इस वाले लेयर को सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से गैस आप चाहे तो इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं ठीक है। आप लोगों को जितना सही लगे आप इसकी ओपेसिटी उतना रख सकते हैं। तो गैस मैं अपने पिक के हिसाब से रख रहा हूँ ठीक है। एंड देन यहाँ पे गैस आप लोगों को इस वाले ऑप्शन में आ जाना है एंड यहाँ से गैस आप इसका सेचुरेशन कम कर देंगे ठीक है। एंड सेचुरेशन हम थोड़ा सा इसका कम कर देंगे एंड लाइटनेस को हम गैस बढ़ा देंगे ठीक है। उसके बाद हम सिंपल यहाँ से इसको डन कर देंगे। एंड देन गैस अभी हमें क्या करना है, हमें आ जाना है इस लेयर वाले ऑप्शन में
एंड यहाँ से फिर से हमें एक एम्प्टी लेयर ले लेनी है, तो हम प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। एंड उसके बाद गैज हम क्या करेंगे, आ जाएंगे इस कलर वाले ऑप्शन में। एंड इस बार गैज हमें लिप्स के लिए एक कलर सेलेक्ट कर लेना है, तो गैज मैं रेड कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट भी कर लूँगा। एंड देन हम आ जाएंगे इस पेंसिल वाले ऑप्शन पे। उसके बाद आपने आ जाए लाइब्रेरी में, एंड लाइब्रेरी में आके गैज आप लोगों को इस बार एक और ब्रश सेलेक्ट कर लेना है, तो गैज मैं ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों ने देख लेना है। एंड देन हम जाएंगे इसकी सेटिंग में, एंड गैज सेटिंग में जाके गैज आप लोगों ने इसका साइज जो है वो अपने हिसाब से रख लेना है, एंड ओपेसिटी फुल आप लोगों को रखनी है। एंड उसके बाद गैज हम बैक आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है, इस तरह से पिक को जूम करेंगे एंड इस तरह से गैज हम पेंट कर देंगे लिप्स पे, ठीक है। तो गैज अभी हमने क्या करना है, हमें जाना है ऊपर इस लेयर वाले ऑप्शन में, ठीक है, यहाँ पे गैज हम इसकी ओपेसिटी को चेंज करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा, तो लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे एंड देन हम इस वाले लेयर को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद आप इसकी ओपेसिटी देख सकते हैं, ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा कम ही रखेंगे, ठीक है, ज़्यादा फुल नहीं रखेंगे वरना हमारे लिप्स अच्छे नहीं लगेंगे, तो आप लोगों को जितना सही लगे आप लोग रख सकते हैं, बट फुल ना रखें, ठीक है। तो गैज मैं इसको 52 रख लेता हूँ, एंड देन मैं मर्ज आल पे क्लिक करके गैज इसको मर्ज कर लूँगा, ठीक है। एंड इसके बाद गैज हम इस पेंसिल वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं, एंड उसके बाद साइज को थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे, ओपेसिटी फुल रखेंगे, एंड देन हम जाएंगे इस लेयर वाले ऑप्शन में, एंड यहाँ से गैज हम एक एम्प्टी लेयर प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड एक एम्प्टी लेयर ले लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम पिक को थोड़ा सा जूम करेंगे एंड इस तरह गैज हम ग्लासेस पे पेंट कर देंगे, ठीक है, रेड कलर को। तो गैज आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, हम ग्लासेस पे पेंट कर रहे हैं जो कि बहुत सही लग रहा है। एंड उसके बाद गैज हम इस लेयर वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे एंड यहाँ से गैज हम इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको कम रखेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको कम कर लेंगे, आई थिंक इतना ठीक है। एंड उसके बाद हम फिर से इसको मर्ज कर देंगे, ठीक है। एंड मर्ज करने के बाद गैज आप लोगों को अभी क्या करना है, अभी आप लोगों को आ जाना है इस लेयर वाले ऑप्शन में एंड आप लोगों को फिर से एक लेयर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, प्लस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे एंड इस लेयर पे हम आ जाएंगे एंड यहाँ से गैज हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल है सो इसको हम चेंज करेंगे कलर में, क्योंकि गैज हमें इस बार कलर करना है अपने टी शर्ट को, तो हम कलर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे सिंपली। एंड उसके बाद गैज हम आ जाएंगे इस पेंसिल वाले ऑप्शन पे, ठीक है, एंड यहाँ पे आके गैज आप लोगों ने इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेना है एंड इस तरह से गैज आप लोगों को अपने टी शर्ट पे पेंट कर लेना है, ठीक है। तो गैज मैं जल्दी जल्दी पूरे टी शर्ट पे पेंट कर लूँगा एंड आप लोगों ने भी इस तरह से पेंट कर लेना है, ठीक है। एंड गैज अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग इसका कलर चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो अभी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है, वरना आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि किस तरह जो है वो कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा हमारा बचा हुआ है, हम इसको भी कर लेते हैं पेंट, ठीक है। तो गैज मैंने तकरीबन पूरे टी शर्ट पे पेंट कर लिया, सो अभी आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ऊपर लेयर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है एंड देन आप लोगों को आ जाना है इस कलर वाले लेयर पर। एंड यहाँ पर आने के बाद, ठीक है, आप लोगों को इसकी ओपेसिटी आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा कम रखेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा हम इसको कम नहीं करेंगे। एंड उसके बाद हम इस वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर गैज आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आप ह्यू को लेफ्ट राइट की तरफ जब करेंगे तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, तो आप लोगों को जो भी कलर सही लगे आप रख सकते हैं, ठीक है, बट मैं इसका ये वाला कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। एंड उसके बाद गैज हम यहाँ से इसको डन कर लेंगे, तो गैज आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, हमारी पिक कुछ इस तरह से बन गई है। सो अभी आप लोगों को इस वाले ऑप्शन पे चले जाना है एंड देन आपको आ जाना है शेयर पे एंड यहाँ से गैज आप लोगों को पिक को सेव कर लेना।